जिले की बेलगाम कानून व्यवस्था पटरी से उतरी हुई है। लगातार सिलसिलेवार हत्याएं हो रही हैं, अबोध बालक तक सुरक्षित नहीं है। सोमवार को महामृत्युंजय के मंदिर गई नारी शक्ति के मंगलसूत्र अपराधी तत्वों द्वारा चुरा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही अपराध तीव्र गति से बढ़ते हैं। आम जनता बेहद डरी सहमी हुई है कि हम घर से निकले और वापस आएंगे कि नहीं। जिस तरीके से कत्लेआम हो रहे हैं, यह दुखद स्थिति है। आज महिला कांग्रेस की वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे एवं शहर अध्यक्ष तारा त्रिपाठी के नेतृत्व में मन कामनेश्वर मंदिर कोठी में कलयुग के राजा हनुमान जी एवं शंकर जी का पूजन अर्चन कर हनुमान चालीसा का पाठ कर बहनों ने भगवान से प्रार्थना की कि हमारे शहर की सुख शांति को कायम रखें एवं आम जनता के बीच में जो डर का वातावरण बना है उससे उनकी रक्षा करें। हनुमान चालीसा पूजन कार्यक्रम में मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कविता पांडे, शहर अध्यक्षता राज्य पार्टी संगठन मंत्री प्राची शुक्ला, अत्याचार निवारण प्रकोष्ठ के अध्यक्ष प्रभा सोगोरा, सचिव विजय लक्ष्मी मिश्रा, प्रवक्ता राखी पांडे सहित महिलाएं शामिल रही। हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। जीवा की कानून व्यवस्था बेलगाम हो गई है, पटरी से उतरी हुई है। जो अपराध हो रहा है, कल एक बच्चे का हत्या हुई, उसके पहले 15 दिन पहले वहीं पे उसी से 50 कदम दूर एक हत्या हुई। सावन के सोमवार के दिन किला में छह महिलाओं की चैन स्क्रैचिंग हुई। लूटपाट, डकैती, मर्डर रीवा के लिए बहुत आम बात हो गई है। रीवा को बिहार बनाने की साजिश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही है, मैं इसकी निंदा करती हूँ। आज महिला कांग्रेस जी मन कामेश्वर मंदिर शिव भगवान और हनुमान जी की शरण में आई है। ये हनुमान कलयुग के राजा, इनको सद्बुद्धि प्रदान करो कि रीवा की जो गंगा जमुनी संस्कृति रही है और शांति और सद्भाव और भाईचारा हमारे यहाँ बना रहा है, प्रेम रहा है, इस तरीके के कत्ल हमारे यहाँ कभी नहीं हुए हैं। तो इस शांति की स्थापना के लिए आज हम लोग ने हनुमान चालीसा का पाठ लगाया है और हनुमति जी को हमने जाप किया है कि हनुमत पधारो और हमारे रीवा जिला की रक्षा करो और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को सद्बुद्धि प्रदान करो और कानून व्यवस्था जो बेलगाम है उसको पटरी पे लाओ। जय हनुमान जी, स्वामी हनुमान जी, शंकर भोले।